Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine Touch Healing Academy. Divine Touch Healing Academy में Tarot, Astrology, Numerology, Vastu की classes conduct होते हैं. आप ये classes online भी सीख सकते हैं. और ये वीडियो बन रहा है Sagittarius sign के लिए धनु राशि का November 2019 कैसे जाएगा. तो हम check कर रहे हैं कि धनु राशि के लिए क्या guidance है November 2019 के लिए. उनका career, finance, relationship, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगा. सो करियर के लिए कार्ड आया है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास और आप खुद डिसीजंस नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है. किसी का गाइडेंस, किसी प्रोफेशनल का गाइडेंस लेके आपके करियर में आप डिसीजन लीजिए. गॉड के ब्लेसिंग्स हैं और यूनिवर्स का भी सपोर्ट है आपके करियर के लिए. अगर आप न्यू जॉब देख रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको न्यू जॉब मिलने वाला है. अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपका नया बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है. पर क्योंकि धनु राशि का भी साढ़े सात ही चल रहा है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि बिजनेस अपने नाम पे नहीं करके किसी फैमिली मेंबर के नाम पे कर सकते हैं. जैसे मैरिड लोग हैं वो अपने हवाइज के नाम पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अनमैरिड लोग अपने मदर सिस्टर के नाम पे स्टार्ट करेंगे तो साढ़े सात ही आपको बिजनेस में अफेक्ट नहीं करती है. फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है कि पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा. और जो जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा कार्ड है कि आप बैलेंस करके चलेंगे. आपके खर्चे, आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम के हिसाब से आप रखकर चलेंगे. आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा पार्टनर की तरफ से, उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन, योगा वगैरह से बैलेंस कर सकते हैं. और आप प्रॉस्पेरिटी के लिए, जिनको भी साढ़े साती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रही है, स्लो इनकम आ रही है, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप कुबेर जी की पूजा करें, कुबेर देवता की पूजा करें. और उनका एक यंत्र यहाँ पर दिखा रहे हैं हम आपको, तो उसको एक नॉर्थ डायरेक्शन में रखकर आप उसकी पूजा करते हैं तो आपके पास धन की प्रॉस्पेरिटी होती है, धन की आपकी धन का आगमन शुरू हो जाता है. और अगर बहुत सारे थॉट्स आपको तंग कर रहे हैं या आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है सो सजिटेरियस धनु राशि वाले फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं. फ्लोराइड एक ऐसा पत्थर है जो आपको क्लैरिटी देगा और आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस देगा आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए. रिलेशनशिप आपका बहुत ही पॉजिटिव दिखाता है. आप आपकी फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहेंगे. और अगर आप अनमैरिड हैं तो बहुत ही जल्दी आपका मैरिज होने वाला है. नवंबर मंथ इज गुड फॉर मैरिज. आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है कि आप आपके इमोशंस पे ध्यान दें. अगर आप इमोशनली खुश हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी नवंबर मंथ में. और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं. और आपके लिए आध्यात्मिक के लिए आया है कि आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालें, अपने आप को जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रखें. शनि को बहुत पसंद है अगर आप अकेले रहते हो, शांत रहते हो और सेल्फ एनहांसमेंट पे या बोलेंगे सेल्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे अगर आप ध्यान देते हो तो उससे शनि जी बहुत प्रसन्न होते हैं. आप लोक सेवा करते हो तो उससे भी आप शनि जी बहुत प्रसन्न होते हैं. तो आप ओल्ड लोगों की सेवा कर सकते हो जिससे आपका साढ़े सात ही इजिली निकल सकता है. और नवम्बर मंथ में आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं फॉर करियर, फॉर फाइनेंस, तो थोड़ा सा ग्रुप, दो तीन लोगों को एक साथ बिठाकर अगर आप डिसीजंस लेते हैं तो उससे आपके डिसीजंस राइट होंगे. स्लो काम करें, पेशेंस बहुत रखें, जल्दबाजी नहीं करें किसी भी चीज की. और अगर लाइफ इम्बैलेंस्ड है फाइनेंस वाइज तो उसको धीरे धीरे बैलेंस पे लाएं, अपने खर्चे कंट्रोल करें. और बहुत जरूरी है लिखना कि कितना इनकम हो रहा है और कितने खर्चे हो रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्चों को रिड्यूस किया जा सकता है. थैंक यू.